पिछले बार 2015-16 में डिप्टी मेयर का भी उम्मीदवार रही थे पिंकी जी, दुर्भाग्य से एक मतों से हम लोग चुनाव हार गए। उस वक्त अफजल इमाम हमारे महापौर हुआ करते थे और अमरावती देवी जो वार्ड नंबर 11 की थी वो चुनाव जीती थी। उनके पति अब स्वर्गीय हो गए हैं दीना जी। पिंकी जी का ऐसा था पार्षदों में सभी लोगों के बीच में सभी की समस्याओं के लिए ये हमेशा सदन में बात उठाती थी और हम लोग का ऐसा व्यवहार था कि सभी लोग से हम लोग का अच्छा संबंध रहा करता था। 2017 में जब हम लोग दूसरे वार्ड में जाके चुनाव जीते तो धनबल का बहुत प्रयोग होने लगा उस वक्त और हम लोग उसमें उतरने सक्षम मतलब नहीं थे कि हम लोग उसमें खड़ा हो पाए, तो हम लोग अपने आप को बैक कर लिए। और जो महापौर का चुनाव हुआ पिछले 5 साल, वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार के महापौर का चुनाव हुआ। सम्मानित जनता लोग, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं यहाँ पर वंदन चंदन करता हूँ। आज हम लोग पटना नगर निगम के मेयर प्रत्याशी श्रीमती पिंकी यादव के पक्ष में जनसंपर्क और जनसंवाद कार्यक्रम के तहत यहाँ पर हम लोग आए। आज हम लोग 2007 से पटना नगर निगम मेयर डिप्टी मेयर कैसे बनते हैं कैसे गिरते हैं वो सब हम लोग देख रहे हैं। पिछले बार 2015-16 में डिप्टी मेयर का भी उम्मीदवार रही थे पिंकी जी, दुर्भाग्य से एक मतों से हम लोग चुनाव हार गए। उस वक्त अफजल इमाम हमारे महापौर हुआ करते थे और अमरावती देवी जो वार्ड नंबर 11 की थी वो चुनाव जीती थी। उनके पति अब स्वर्गीय हो गए हैं दीना जी। उस वक्त मुझे याद है कि जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो अफजल जी के खिलाफ में कैंडिडेट हमारे ग्रुप में नहीं था, तो बात हुआ कि भाई किसको लड़ाया जाए किसको लड़ाया जाए, तो फिर हुआ कि भाई पिंकी जी को लड़ाया जाए। पिंकी जी सदन में सभी के समस्याओं के लिए हमेशा बात रखती हैं, तो पिंकी जी को लड़ाया गया और एक मतों से चुनाव ये दुर्भाग्य से नहीं जीत पाए, हार गए। और हमारे 2 ग्रुप के पार्षद नहीं आए थे वोट देने के लिए, तो जो जीते उप महापौर उन्होंने कहा अफजल इमाम जी को, मेयर साहब को, कि अफजल जी आप तो कहते थे कि 45 वोट आएगा, ये 36 और 37 वोट का मार्जिन था दोनों में, मतलब 35 और 36 वोट का। ऐसे ही बोले कि फलना अगर नहीं आता तब तो हम लोग चुनाव हार जाते। तो इनकी पिंकी जी का ऐसा था पार्षदों में सभी लोगों के बीच में सभी की समस्याओं के लिए ये हमेशा सदन में बात उठाती थी और हम लोग का ऐसा व्यवहार था कि सभी लोग से हम लोग का अच्छा संबंध रहा करता था। मैं यह घटना इसलिए आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि फिर 2017 में मेयर का, जैसे अभी मनी भैया ने बोला कि अखबार और मीडिया के माध्यम से जब चला कि भाई कौन महापौर के सशक्त उम्मीदवार है, उस वक्त इनका भी नाम आया था और इन्होंने भी अपने जो टीम था ग्रुप था उसमें बात रखी कि भाई अगर वैसा होगा तो मेरे नाम के ऊपर भी विचार करिएगा। लेकिन दुर्भाग्य से 2017 में जब हम लोग दूसरे वार्ड में जाके चुनाव जीते तो धनबल का बहुत प्रयोग होने लगा उस वक्त और हम लोग उसमें उतरने सक्षम मतलब नहीं थे कि हम लोग उसमें खड़ा हो पाए, तो हम लोग अपने आप को बैक कर लिए। और जो महापौर का चुनाव हुआ पिछले 5 साल, वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार के महापौर का चुनाव हुआ। मैं उन पर अब टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह सोचने और समझने की चीज़ है कि पटना का मेयर पटना का फर्स्ट सिटीजन होता है, वो हमारे समस्याओं को सड़क से लेकर सदन और नगर विकास विभाग सरकार तक अगर नहीं मजबूती से रखेगी तो आखिर हम लोग जो पटना वासी जो हम देख रहे हैं कि जल जमाव जो गंभीर समस्या है उससे कैसे हम लोग निजात पाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारा काम है क्षेत्र में करने के लिए, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम पार्षदों से कहीं ना कहीं चूक हुई होगी। तब जाके राज्य सरकार ने अपना नगर पालिका एक्ट में